हेलो एवरीवन, मैं विशाल आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रीमियर स्टॉक में। आज हम बात करने वाले हैं रुचि सोया के बारे में। बात करने वाले हैं रुचि सोया के बारे में। बात करने की सबसे बड़ी वजह निकली कि कंपनी का आज के डेट में क्वार्टरली फोर का रिजल्ट आ चुका है और कंपनी को अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और यह कंपनी का न्यूज़ अच्छी होने के कारण जो है आज कंपनी के शेयर में भी उछाल देखने को मिला है। कंपनी का शेयर 2% के ऊपर देखने को मिल रहा है। आप पता ही होगा कि रुचि सोया जो है पूरी तरह पतंजलि के अंडर में पहुँच चुका है। कंपनी के क्वार्टरली फोर के रिजल्ट के बारे में बात करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ऑफलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। यहां आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की पूरी जानकारी दी जाएगी। चलिए हम बात करते हैं क्वार्टरली फोर के रिजल्ट के बारे में कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया है, कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करेंगे और कंपनी के आगे ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। और कंपनी ने एक और फैसला लिया है, कंपनी ने डिविडेंड को भी फैसला लिया, क्योंकि कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो कंपनी डिविडेंड देने का भी फैसला लेती है। हम बात करते हैं कंपनी रुचि सोया के बारे में कि कंपनी को कितना क्वार्टरली फोर के रिजल्ट के मुताबिक कितना प्रॉफिट हुआ है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि कंपनी को जो 234 करोड़ रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यह प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कि कंपनी जो है डिविडेंड देने का भी फैसला कर लिया है। आपको यह पता होगा कि रुचि सोया अब पूरी तरह से जो है पतंजलि के अंदर काम कर रही है। रुचि सोया पहले लॉस में चल रही थी, फिर उसके बाद पतंजलि ने इस कंपनी को पूरी तरह से अब पतंजलि ग्रुप में मिला लिया है। अब और बात करें डिविडेंड के अगर बारे में बात करें तो देखिए कंपनी द्वारा अनाउंसमेंट किया कि कंपनी अब जो है 5 बोर्ड मीटिंग की बैठक में अनाउंसमेंट या निर्णय लिया गया कि कंपनी जो 5 पर शेयर के आधार पर डिविडेंड देगी। इस क्वार्टरली फोर के रिजल्ट के मुताबिक कंपनी का अनाउंसमेंट किया गया है। और हम बता दें कि जो प्रॉफिट आपको देखने को मिला 234 करोड़ रुपये का प्रॉफिट ये देखने को जो मिल रहा है, यह जो है टैक्स के काटने के बाद यह प्रॉफिट कंपनी को हुआ है। मतलब कि सर कंपनी ने जो है अब जो टैक्स था वो गवर्नमेंट को पेड कर दिया है, उसके बाद कंपनी को 234 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है इस बार का 2021-22 के क्वार्टरली फोर के रिजल्ट के मुताबिक। यह जो न्यूज़ दिया गया है कंपनी के द्वारा दिया गया है, कंपनी ने अपने वेबसाइट पर अपलोड किया था, उसी के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया है। और जो 5 पर शेयर के आधार पर डिविडेंड दे रही है कंपनी जो है 250% के आधार पर यह कंपनी जो है डिविडेंड दे रही है। और कंपनी के काम के बारे में बात की जाए तो कंपनी पूरा FMCG कंपनी है, पूरा फूड का काम करती है। कंपनी का पूरा कारोबार देखने को मिल रहा है, पूरा मिलाकर देखने को मिल रहा है। कंपनी जब से पतंजलि के अंडर में पहुंच चुकी है तो कंपनी को कंटिन्यू प्रॉफिट देखने को मिलता है। और कंपनी जो है हर क्वार्टरली रिजल्ट के मुताबिक कंपनी को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इस बार भी कंपनी को अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।